नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है। कारण क्या है कि चाइना जो है शायद वो हो चुका है कामयाब। किस चीज़ में कामयाब? कि जो यूरोपियन देश हैं या फिर कहें कि नाटो जो है, नाटो के मेंबर्स जो हैं, उनके अंदर फूट डलवाने में कामयाब हो चुका है चाइना। क्यों ऐसा है? तो खबर ही कुछ इस प्रकार की निकल कर आई है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा कहा गया है मैक्रोन ऑन ताइवान। ताइवान मुद्दे पर जब बात पूछी जाती है मैक्रोन से, तो वो कहते हैं एन अलाय नॉट अ वैसल, कि हम अमेरिका के सहयोगी हैं, हम अमेरिका की जागीर या फिर अमेरिका के चमचे नहीं हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। और तमाम बातें इनके द्वारा इस प्रकार की बोली गई हैं। अब ये जो बोला गया है ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है इमैनुअल मैक्रोन का एक साथ, ये आखिर क्यों हुआ? तो कारण भी इसके बड़े सारे स्पष्ट हैं। मैक्रोन प्रेजेज इन चाइनाज फॉर ब्रिलियंट ताइवान कमेंट्स, और जो चाइना है वो होता है खुश। चाइना इनकी तारीफ करता है मैक्रोन की कि आपने जो है ब्रिलियंट कमेंट किया है इसके ताइवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि ताइवान एक ऐसा देश है जो कि स्वयं को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना जब भी आप सुने तो उसका मतलब होता है ताइवान। और जो फिलहाल सी जिनपिंग वाला जो चाइना है उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक पॉलिसी है, जो सी जिनपिंग वाला चाइना है उसकी पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। यानी कि दुनिया के जो तमाम देश हैं वो ये मानेंगे कि चाइना एक ही है, ताइवान नाम का कोई देश नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है और इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है। लेकिन फिलहाल के दिनों में देखने में कुछ ऐसा आया था कि अमेरिका लगातार उकसाने का प्रयास कर रहा था ताइवान को, क्योंकि अमेरिका जो है वो है एक ऐसा देश जो कि व्यापारी दृष्टिकोण हमेशा रखता है। आपने रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर भी देखा कि रूस और यूक्रेन लगातार दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं नाटो मेंबर होने के नाते अमेरिका के दबाव में हैं कि यूक्रेन को वेपन सप्लाई करते हैं, और अपने देश के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं इनके यहाँ पर, जो इकोनॉमी इनकी बर्बाद हो चुकी है, इस स्तर पर ये पहुँच चुके हैं। तो शायद मैक्रोन को ये बात समझ में आ चुकी है, इसी के चलते ये बोलते हैं कि एक नया युद्ध जो कि शुरू कराना चाहता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को हमेशा तलाश रहती है दुनिया के अंदर कुछ ऐसे खरीदारों की जो कि उसके वेपन्स खरीद सकें। अमेरिका के द्वारा सबसे पहले डर बेचा जाता है, डर दिखाया जाता है। फिलहाल ताइवान को चाइना का डर दिखाया जा रहा है। चाइना का डर दिखाते हुए ताइवान के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, ताइवान के लोगों को अमेरिका में बुलाया जा रहा है, अमेरिका के लोगों को ताइवान के अंदर भेजा जा रहा है, जिससे कि चाइना उकसावे की कार्यवाही कर दे ताइवान के ऊपर। और जब चाइना ताइवान के ऊपर उकसावे की कार्यवाही करेगा तो ताइवान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, एक बहुत डेवलप्ड देश है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब युद्ध होगा ताइवान का चाइना से, जब ताइवान को डर लगेगा चीन से, तो अमेरिका सक्सेसफुली अपने जो वेपन्स हैं उनको बेचने में कामयाब हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर आराम से बैठा हुआ है, इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता, कोई सवाल जवाब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का एक व्यापारिक दृष्टिकोण हमेशा अमेरिका के द्वारा रखा जाता है, इसी के चलते ये व्यापारिक दृष्टिकोण है, शायद यही समझ में आ चुका है इमैनुअल मैक्रोन के। बीजिंग अलाय डजेंट मीन बीजिंग बैसल, बींग बैसल, बीजिंग नहीं बींग, कि हम जो है सहयोगी होने का मतलब ये नहीं है कि हम इनके चमचे हैं। एन अलाय नॉट अ वैसल, इतनी बड़ी बात इनके द्वारा बोल दी गई है, बिल्कुल पूरी तरह से फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन टेल चाइना सी टू रीजन विद रशिया फॉर यूक्रेन पीस, चाइना जाते हैं सी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसको शांत आप कराइए। चाइना के लिए ये एक ग्लोबल लीडर बनने जैसी एक बात हो जाती है कि दुनिया के तमाम बड़े नेता आकर चाइना से अपील करते हैं कि आप इस युद्ध को रुकवा सकते हैं और इस युद्ध को आप रुकवाने का प्रयास करें, ऐसी बात बोली जाती है। मैक्रोन स्पार्क्स एंगर बाय सेइंग यूरोप शुड नॉट बी वेसल इन यूएस चाइना क्लैश, कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो युद्ध के हालात बन रहे हैं ताइवान को लेकर, उसके बीच में जो पूरा यूरोप है उसको इनका चमचा नहीं बनना चाहिए, किसका? अमेरिका का चमचा नहीं बनना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? नाटो। नाटो असल में एक ऐसा
एक संगठन है जिसके अंदर वर्तमान में 31 मेंबर हैं। फिनलैंड इसका सबसे नया मेंबर जुड़ा है। तो नाटो के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, अमेरिका उनको कहीं दूसरे देश से हथियार नहीं खरीदने देता है। जो भी ज़रूरतें होती हैं वो अमेरिका ही पूरा करता है, बदले में पैसा बराबर लिया जाता है अमेरिका के द्वारा। मतलब व्यापारिक एक संगठन बनाया हुआ है जिसको कि सैन्य संगठन का नाम दिया हुआ है कि 31 देशों की मैं रक्षा करूँगा और हम जो है अपने अलाइज की रक्षा करेंगे और उसके बदले में आप लोग मुझसे हथियार बराबर खरीदते रहिए। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि जब यदि चाइना और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है ताइवान को लेकर, तो यूरोप को उससे अलग रहना चाहिए। यूरोप मस्ट रेजिस्ट प्रेशर टू बिकम अमेरिकाज फॉलोअर्स, कि अमेरिका का चाटुकार या फिर कहें कि अमेरिका का फॉलोअर बनने से पूरे के पूरे यूरोप को बचना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी तमाम ये बातें इनके द्वारा बोली जा रही हैं। यूरोप मस्ट रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, कि यूरोप को अमेरिका के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को हटा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। एंड अवॉइड गेटिंग ड्रैग्ड इनटू द कंट्रोटेशन बिटवीन चाइना एंड द यूएस, कि चीन और अमेरिका के बीच में जो भी खींचातानी चल रही है उसके बीच में यूरोप को घिसटना नहीं चाहिए। अब ये ड्रैग्ड का मतलब जो है घिसटना ही हो सकता है, कि जो अमेरिका के द्वारा घिसटने का प्रयास, घसीटने का प्रयास यूरोप को हर जगह किया जाता है अपना अलाय होने के नाम पर, वो नहीं करना चाहिए। कहाँ कहा इन्होंने ये बात, तो ये जो है पॉलिटिको नाम का एक न्यूज़ चैनल है उसके जर्नलिस्ट से लगभग 6 घंटे की फ्लाइट में बातचीत कर रहे थे। ये लौट कर आ रहे थे नाइजीरिया नाम के एक देश से, फ्रांस के नीदरलैंड नाम के एक देश से, नाइजीरिया नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बुधवार को नीदरलैंड्स के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो चीन दौरे के वक्त दिए गए अपने बयान पर कायम है। मतलब जब इनसे पूछा गया कि क्या चाइना के अंदर जाने के बाद आप भावुक हो गए थे, इस वजह से बोला कि क्या आप अपने बयान को बदलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बोले कि मैं अपने उस बयान पर अभी तक कायम हूँ। अमेरिका के सहयोगी होने का मतलब उनका जागीरदार होना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बारे में नहीं सोच सकते। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने आगे कहा, ताइवान में स्थिति को लेकर फ्रांस का पूरा समर्थन है। हम चीन की वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं और चाहते हैं कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। अब इनकी जो बातें हैं इसको आप एकदम ध्यान से देखिए, आपको इनका रिजेम्बलेंस मिलेगा। जो इंडिया कहता है कि ये रसिया यूक्रेन युद्ध किस प्रकार से खत्म होता है, तो इंडिया का हमेशा स्टैंड रहता है डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीतिक प्रयास करते रहने चाहिए, डायलॉग यानी कि दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी चाहिए और इस प्रकार से जो पीस है, जो शांति है, वो कायम की जा सकती है। तो मैक्रोन भी उसी को कॉपी पेस्ट मार दिए हैं फिलहाल। यूरोप हमेशा उन लड़ाइयों में फंसता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। पॉलिटिको को दिए गए बयान में इन्होंने कहा, यूरोप हमेशा उन लड़ाइयों में फंस जाता है जो उसकी हैं भी नहीं, इस वजह से हम कभी कभी अपने रणनीतिक हितों को देखते हुए फैसला नहीं ले पाते हैं। यूरोप के लीडर्स को यह सोचना चाहिए कि ताइवान से जुड़े विवाद को बढ़ाना हमारे हित में नहीं है, मतलब यूरोप के हित में यह नहीं है। हम यूक्रेन में भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, यूक्रेन को तमाम नाटो कंट्रीज के द्वारा भड़का दिया गया कि हम आपको शामिल कर लेंगे नाटो के अंदर, हम आपकी रक्षा करेंगे। रसिया इसी बात के ऊपर भड़क गया कि नाटो में शामिल नहीं होगे। ऐसी स्थिति में रसिया ने कर दिया आक्रमण और अब जो है ये सारे के सारे ताली पीट रहे हैं और अपने हथियार जो है दिखावा अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, अपने हथियारों का दिखावा, और इनके द्वारा अपने हथियार बेचे जा रहे हैं अमेरिका के दबाव में। ऐसे में हम ताइवान से ये किस बुनियाद पर कहेंगे कि अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके लिए मौजूद रहेंगे? ये सिर्फ तनाव बढ़ाने का एक तरीका है। बहुत बड़ी बड़ी बातें इनके द्वारा बोली। अब इसके बाद चाइना ने एक कार्टून जारी किया। चाइना की जो प्रतिक्रिया है वो मोस्टली कार्टून के माध्यम से ही आती है कि नए कोल्ड वॉर की तरफ जो है दुनिया जा रही है, यानी कि अमेरिका जा रही है। अमेरिका के साथ यहाँ पर यूरोप दिखाई देता है, यू बिलोंग टू मी, कि तुम मेरे हो। अमेरिका जो है यूरोप को इस प्रकार से घसीटता हुआ नए कोल्ड वॉर की तरफ अपने साथ जबरदस्ती घसीटता हुआ ले जा रहा है। ये कुछ फनी तरीका रहता है, या फिर कहें कि कार्टून के माध्यम से कुछ सीरियस बातें चाइना के द्वारा इस प्रकार से बोली जाती हैं। मैक्रोन के बयान से चीन का खुश होना लाजमी था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मैक्रोन की टिप्पणियों से पता चलता है कि ताइवान और चीन के बीच बढ़ती टेंशन के लिए अमेरिका दोषी है। साथ ही उनका बयान यूरोपियन यूनियन के लिए चीन के साथ एक कठोर रुख अपनाने में मुश्किलें पैदा करने वाला है। इस बीच चीन ने मैक्रों की टिप्पणी की तारीफ की है, कहा है कि वह उनकी आलोचना से हैरान नहीं है। विदेश मंत्रालय जो ये वांग बेवनिन है, ये असल में व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये काफ़ी एक बढ़िया व्यक्ति है। इनके द्वारा कहा गया है कि कुछ देश हैं जो बाकी देशों को आज़ाद और आत्मनिर्भर नहीं देखना चाहते, ऐसे देश बाकी देशों को उनकी इच्छा का पालन करने के लिए मजबूर करते रहते हैं।
मतलब अमेरिका जैसे नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें अमेरिका का साफ साफ संदेश इनके द्वारा दिया गया है। अब बात आती है अमेरिका की टिप्पणी के लेकर, तो अमेरिका पूरा का पूरा बुरी तरह से बौखला गया है कि हमारा जो सहयोगी है, हमारा जो नाटो मेंबर है, वो हमारे बारे में इस प्रकार की बातें कैसे बोल सकता है। तो इनके पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, स्वयं जो हैं एक केस के अंदर फिलहाल जेल जाने की इनकी स्थिति बन चुकी है, खुद ने सरेंडर किया है, लगभग 31 के करीब इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और सजा होने की इनकी तैयारी चल रही है। इन्होंने काफ़ी गंदे शब्दों के साथ कहा है कि ट्रंप एक्यूजेस फ्रांस मैक्रोन ऑफ पेंडरिंग टू चाइना, मतलब चाटुकारिता करता है फ्रांस कि फ्रांस जो है, या फिर कहें मैक्रोन जो है, वो चाटुकारिता कर रहे हैं चाइना की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चीन में सी जिनपिंग के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। असल में जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो काफ़ी एक अश्लील शब्द इस्तेमाल किया गया था। न्यूज़ एजेंसी AFP के अनुसार न्यूयॉर्क में गिरफ्तार होने के बाद ट्रंप ने पहली बार फॉक्स न्यूज़ के होस्ट टकर कार्सलन से बात की थी। ट्रंप ने दावा किया कि उनके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद से अमेरिका ने विश्व में अपनी ताकत जो है अमेरिका धीरे धीरे खो रहा है और खो चुका है। ट्रंप ने और कहा दुनिया में हलचल हो रही है और अमेरिका के पास कोई ताकत नहीं है और मैक्रों जो मेरा दोस्त है चीन के साथ है उसकी चाटुकारिता कर रहे हैं। उन्होंने कहा फ्रांस चीन के पास जा रहा है। कुल मिलाकर इन्होंने कहा गया इनके द्वारा कि बाइडन की जो सरकार है फिलहाल, बाइडन अपने अलाइज को साथ जोड़ने में फेल हुई है पूरी तरह से। अब क्यों इनके द्वारा कहा गया है, क्योंकि अगले राष्ट्रपति चुनाव के अंदर ये जो ट्रंप हैं वो आना चाहते हैं और पूरे अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका को बचा सकते हैं। बात सिर्फ यहीं तक शांत नहीं होती है, बल्कि मैक्रों के द्वारा एक कदम और आगे की बात बोल दी गई। यूरोप मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन US डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है उसके अंदर पूरी दुनिया में व्यापार होता है, तो अमेरिकी डॉलर से यूरोप को अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर देनी चाहिए या फिर कम कर देनी चाहिए। यूरोप मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंस, ये समझ चुके हैं कि ज़रूरत है फिलहाल वक्त की कि डॉलर जो इतना ताकतवर बना हुआ है उसकी डिपेंडेंसी दुनिया में खत्म होनी चाहिए। इसी प्रकार का एक सेशन आपके साथ में हमने साझा किया था जिसमें ब्रिक्स के माध्यम से, जो ब्रिक्स के 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश जो हैं एक साथ ब्रिक्स बैंक बनाने वाले हैं और एक नई करेंसी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं जिससे कि डॉलर के ऊपर निर्भरता खत्म की जा सके। तो दुनिया जो है कहीं ना कहीं अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी खत्म होना चाहती है और ये आने वाले समय में शायद संकेत हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कम होने वाला है। अब ये तो थी पूरी की पूरी बात कि मैक्रों के द्वारा कब क्या क्या बोला गया। अब थोड़ी सी चर्चा इस बात पर जरूर होनी चाहिए कि क्या कारण हैं जो कि मैक्रों इस हद तक बात बोले। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब मैक्रों की यात्रा होती है चाइना की तो एक भव्य स्वागत किया जाता है। सीज इमीडिएट गोल टू ट्राई टू ड्रॉ यूरोप अवे फ्रॉम अमेरिका एंड ही सीज मैक्रोन एज अ यूजफुल टूल फॉर दिस पर्पस, कि फ्रांस को या फिर कहें मैक्रोन को एक टूल की तरह देखते हैं सी जिनपिंग, इनको अमेरिका से दूर करने के लिए, इनमें फूट डालने के लिए। जब ये गए थे तो इनका बेहतरीन स्वागत हुआ था, इनके साथ में नाटो की जो चीफ हैं वो भी गई हुई थी, लेकिन इनको कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन को रेड कारपेट बिछाने के बाद पूरी तरह से गार्ड ऑफ ऑनर बेहतरीन तरीके से दिया गया, तो इतना ज़्यादा सम्मान एक साथ दिया गया, ये तो बनता है पहला कारण कि ये जो हैं भाव विभोर हो गए। ऐसे सम्मान की उम्मीद इनको नहीं थी, लेकिन इस प्रकार का बेहतरीन सम्मान इनको चाइना के अंदर मिला और इसके लिए ये चाइना के कहीं ना कहीं फैन बनकर उभरे हैं। ये तो था एक पहला कारण। बात करते हैं दूसरे कारण की। तो ये असल में फ्रांस के मन में दर्द अब का नहीं है, फ्रांस के मन में काफ़ी पुराना दर्द है। अब यहाँ हम याद करते हैं एक डील हुई थी जिसको हम जानते हैं AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जिसको जाना जाता है ऑकस के नाम से, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। असल में जी यूके और यूएस जो हैं ये मिलकर देने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी। पनडुब्बी यानी कि जो ऐसा जहाज जो पानी के अंदर चलता है। 12 सबमरीन बननी थी। असल में ये जो डील थी पहले फ्रांस के पास थी, फ्रांस टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियाज न्यू सबमरीन फ्लीट एट $50 बिलियन का ये शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट था और जो कि बढ़कर लगभग $80 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था फ्रांस को, फ्रांस के पास ये कॉन्ट्रैक्ट आया था। इसके बाद होता है सीक्रेट टॉक्स एंड अ हिडन एजेंडा, जो गुप्त बैठकें हैं वो होती हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, साथ में अमेरिका प्लस यूके के साथ। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर सीक्रेट टॉक्स करते हैं और फ्रांस का जो
डील होती है, फ्रांस की डील जो है वो टूट जाती है और डील मिल जाती है यूके को। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा अपने ही सहयोगियों को भरपूर धोखा दिया जाता है, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण रखने वाले ये देश हैं, चाहे यूके हो चाहे अमेरिका हो, ये व्यापारी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनको जो है अपने मित्र से शत्रु से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सिर्फ व्यापार बढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में फ्रांस ने कहा था कि ये मेरे साथ धोखा है, गद्दारी है, बिट्रेयल है, ये साफ साफ कहा गया था अमेरिका और यूके के लिए। तो पहली बात, दूसरी बात हमने देखी कि दूसरा कारण जो है यही है कि डील के लिए फ्रांस एक मौके का इंतजार कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं पलटवार करता हूं। बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में कि तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण है फ्रांस के अंदर जो लोग हैं वो बेहाल हो चुके हैं महंगाई से बेहाल हो चुके हैं, चीजों की बढ़ती कीमतें हैं, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो जो प्रदर्शनकारी है, डेमोंस्ट्रेटर्स हैं, वो कहते हैं फ्रांस को नाटो से निकल जाना चाहिए, फ्रांस शुड विड्रॉल फ्रॉम नाटो, फ्रांस को नाटो छोड़ देना चाहिए। चैंटिंग लेट्स गो आउट नाटो, ये लोग सड़कों पर जब प्रदर्शन करते हैं तो नारे लगाते हैं नाटो से बाहर निकलो। डिमांडिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रिजाइन, की इमैनुअल मैक्रोन को रिजाइन कर देना चाहिए। दे क्रिटिसाइज हिज गवर्नमेंट फॉर सपोर्टिंग वेपन्स टू यूक्रेन, कि आपने जो यूक्रेन को वेपन सप्लाई किए हैं उसके चलते हमारे देश में संकट उत्पन्न हो चुका है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बीच में अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाने वाला अमेरिका, लेकिन जो संकट उत्पन्न होता है वो यूक्रेन में उत्पन्न होता है, वो फ्रांस के अंदर उत्पन्न होता है। और ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं। द वॉर इन यूक्रेन हैज कॉज्ड स्वीपिंग एनर्जी क्राइसिस अक्रॉस द यूरोप, पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस पैदा कर दिए हैं। इन फ्रांस पेट्रोल प्राइसिस हैव सोर्ड टू न्यू हाइज, पेट्रोल के रेट जो है वो बिल्कुल उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। एज मैनी वर्कर्स रिजॉर्ट टू स्ट्राइक्स टू सेंड अ मैसेज टू द गवर्नमेंट, जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक्स पर जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और जो इनकी लीडर हैं मरीन ले पेन जो हैं वो एक लीडर हैं जो कि जब इलेक्शन हुए थे फ्रांस के अंदर तो रनर अप रही थी, राष्ट्रपति बन गए थे मैक्रों, दूसरे नंबर पर रही थी ले पेन। और जितने भी ये हो रहे हैं सारे के सारे प्रदर्शन ये हो रहे हैं इन्हीं की अध्यक्षता में, ये मांग रही हैं इमैनुअल मैक्रों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि ले पेन की सरकार दोबारा आती है तो अमेरिका से या फिर कहें कि नाटो से इनका निकलना पूरी तरह से तय हो जाता है। सोरिंग एनर्जी प्राइसेस ऑर्डील, ग्लोबल टाइम्स की खबर देखते हैं, यानी कि चाइना का कार्टून छापता है कि यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस हो गई है। असल में इन देशों के अंदर ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें गैस प्लस ऑयल की आवश्यकता होती है खुद को गर्म रखने के लिए, अपनी एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्हें ऑयल और गैस की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये कार्टून दिखाया जाता है चाइना के द्वारा कि सब कुछ जो है जमा हुआ है और फ्रांस के लोग या फिर कहें यूरोप के लोग जो हैं ठंड में ठिठुर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी की सप्लाई के लिए प्रॉपर ज़रूरतें नहीं हैं। बात करते हैं थोड़ी सी जीडीपी ग्रोथ के बारे में, जो क्योंकि आंकड़े हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं सच बोलते हैं। असल में 2019 के अंदर जो फ्रांस की जीडीपी थी वो 1.9% की दर से बढ़ी थी, कारण था कोरोना के चलते पूरी दुनिया की जीडीपी जो है वो ठप हुई थी। उसके बाद 2020 में -7.9% तक ग्रोथ पहुंची, कारण सेम कोरोना। उसके बाद 2021 में 6.8% की दर से ये बढ़ता है और 2022 के अंदर रसिया यूक्रेन का युद्ध होता है, फ्रांस और यूके समेत तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं यूक्रेन का समर्थन कर देते हैं, जीडीपी की ग्रोथ रह जाती है 2.5%। ये आंकड़े जो हैं चौंकाने वाले हैं, या फिर ये जो आंकड़े हैं ये हैं चिंताजनक, जिनकी चिंता पूरी फ्रांस की जनता को हो रही है फिलहाल की। ये जो जीडीपी है, हमारी जीडीपी असल में इतनी नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ये 2.5% जो है वो है इसी कारण कि हमने जो वेपन्स हैं वो सप्लाई करे हैं यूक्रेन को। ये तो हो गई बात जीडीपी की। बात आगे करते हैं थोड़ी सी महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इनके यहाँ पर महंगाई जो है वो बहुत कम बढ़ती है। ये जो आंकड़े दिखाई देते हैं ये इनसे अगर पता लगाएं तो इनके यहाँ 2015 के अंदर 0.9%, सिर्फ इतनी 0.09%। असल में हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो महंगाई बढ़ने का स्लॉट रखा जाता है वो 2% से लेकर 6% तक यदि महंगाई बढ़ती है तो सब कुछ ठीक माना जाता है।
2 से 6% तक महंगाई को ठीक माना जाता है और फिलहाल इंडिया के अंदर लगभग 6.18% की दर से महंगाई फिलहाल बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है। ऐसी स्थिति में फ्रांस की अगर आप बात करते हैं तो 0.9% थी, 0.31%, 1.17, 2.1 बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, 2.1 हुई थी 2018 में। कोरोना 2019 और 20 के अंदर देखें फिर भी इनके यहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ी थी। 2021 के अंदर 2.6% महंगाई जो है हुई, उसके बाद 2022 के आंकड़े बिल्कुल जो है 4.8%, मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति में जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों का सड़कों पर उतरना तय हो जाता है, तो ये नुकसान फ्रांस को झेलने पड़े हैं। US वॉर्न्स यूरोप, अगला एक कारण देखते हैं कि US ने, अमेरिका ने पूरे यूरोप को वॉर्न किया है कि अगर ताइवान के अंदर युद्ध होता है तो ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक लगेगा, कि जो, और आगे खबर आती है कि जो इकोनॉमिक लॉस पूरी दुनिया को रसिया और यूक्रेन युद्ध से नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? चाइना अटैक ऑन ताइवान, यदि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है तो ग्लोबल ट्रेड को यूक्रेन वॉर से ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा जो है कहा गया। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका के द्वारा खुद कहा जाता है ऐसा, तो कोई देश क्यों चाहेगा कि कोई युद्ध हो, उसके वो सहयोगी बने, युद्ध के कारण बने और अपने देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फिर से महंगाई लाएँ। तो 2021 में महंगाई क्यों बढ़ेगी यदि चाइना अटैक करता है ताइवान के ऊपर? तो जो सेमीकंडक्टर चिप होती है, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप जो लैपटॉप चलाते हैं, आपकी जो आधुनिक कारें हैं, इनके अंदर एक सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग किया जाता है और वो चिप पूरी दुनिया में 65% ताइवान बनाता है और पूरी दुनिया के अंदर निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। यदि ये चाइना कर देता है इसके ऊपर आक्रमण तो ये 65% ज़रूरतें जो हैं वो फेल हो जाएंगी और चिप की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शायद कार और लैपटॉप की कीमतें दुगनी हो जाएँ। द डॉलर इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ गुड फॉर US बट बैड फॉर द वर्ल्ड। कि डॉलर स्ट्रॉन्ग, डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना अमेरिका के लिए अच्छा है लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये खराब है। इसीलिए यूरोपियन कंपनीज जो हैं, जब से सेंक्शन लगे हैं किसके ऊपर, पुतिन भैया के ऊपर, पुतिन की बात करें कि इनके ऊपर सेंक्शन लग चुके हैं रसिया के ऊपर, तो यूरोप जो है वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। यूरोपियन कंपनीज ऑफन कंप्लेंस दैट दे कांट कंडक्ट बिजनेस, अपना बिजनेस तक नहीं कर पा रही हैं रसिया से विद सेंक्शनड कंट्रीज, जब सेंक्शंस लगे हुए हैं तो इसके ऊपर ये बिजनेस तक नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस ना हो पाने की स्थिति में इनके ऊपर होते हैं लॉस। अगर आप बात करें कि रसिया के ऊपर यूरोप के इतने सारे ये तमाम देश हैं जो कि रसिया पर डिपेंडेंट रहते हैं, रसिया के ऊपर निर्भर होते हैं, ये अपनी गैस प्लस ऑयल वाली जो इनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में, तो इससे निश्चित तौर पर यूरोप को काफ़ी बड़ा एक नुकसान हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध से और रसिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उससे। यूरोप्स गैस क्राइसिस इज स्टिल नॉट ओवर, कि यूरोप का जो गैस क्राइसिस है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। असल में यूके जो है वो रहता है अलग, यूके अलग क्यों रहता है कि यूके की ज़रूरतें ज़्यादातर अमेरिका के द्वारा पूरी कर ली जाती है, या फिर कहें कि यूके की ज़रूरतें जो हैं वो फ्रांस इससे रसिया से अब भी पूरी हो रही हैं, लेकिन रह जाते हैं वो वाले देश जैसे कि फ्रांस हो गया, इस प्रकार के देश जो हैं वो रह जाते हैं। और इनके अंदर, हालांकि पूरे यूरोप के अंदर अभी तक गैस क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है, टोटल एनर्जी के CEO हैं, इनके द्वारा ये जानकारी निकल कर आई। उम्मीद है साथियों मैक्रोन के द्वारा क्यों इस प्रकार की बातें बोली गई और क्या क्या बोला गया ये सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई हों। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।